Bak şimdi bu. Bak bak bak. Bu bu. Ne kaç var? Ben bunu सेलिब्रेशन ऑफ मैगा अमृत स्टोरेज होती है तो आज हम मैक्सिमम Ey, men sollte den Chaos bitte achten. Was auf. हमारा काम है हौसला अफजाई करना, हमारा काम ये है कि जैसे सबसे पहले तो आज मुबारक करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने आज अपने खून का अतिया दिया। ये जो हमारा प्रोग्राम है आज आपको पता होगा हमारे जो चाहते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है वो उस लिए मोदी जी ने हमें अपने वर्करों को एक अपील की है कि मेरे बर्थडे पे कोई केक नहीं काटना, कोई हवन नहीं करना, कोई दुआ नहीं करना। मेरे जिसको मेरे से प्यार है वो अगर मेरे से किसी को प्यार है तो खून का अतिया दे। आपने देखा आज GMC बारामूला में इतने लोग हमारी पार्टी के इतने वर्कर आए हैं, बड़े जोश से आए हैं, मगर हॉस्पिटल की अपनी एक कैपेसिटी है, इनके पास टोटल जो कैपेसिटी है वो 150 पॉइंट की है। तो मगर हमारे जो है बारामूला खाली GMC में अगर हम देखें 600-700 लोगों जो हमारे वर्कर हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो की है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उनको खून देने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे जितने 700 वर्कर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है इंशाल्लाह वो 5 मिनट के अंदर GMC बारामूला में पहुंच के खून का अतिया। आपने देखा होगा यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग भी आए हैं बड़े जोश से जिन्होंने बताया कि हम भी खून देने के लिए तैयार हैं। ये प्यार है अपने मोदी जी का, हमारे जो चीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी जी का, उनके आपने देखा उनका कहना और इतने लोगों का जमा होना पूरे देश में ये चल रहा है। उसके साथ साथ में आज GMC बारामूला में भी ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आज शुरू हुआ है और ये बराबर जो है इसमें सेवा के काम है। जैसे कल से हमारा और प्लांटेशन ड्राइव है, इसमें जो हमारे विडोज़ होते हैं उनके लिए प्रोग्राम है, जो हमारे डिसेबल होते हैं उनके लिए प्रोग्राम है, पानी को कैसे बचाना है उसके लिए प्रोग्राम है, फ्री मेडिकल चेकअप उसके लिए प्रोग्राम है। ये बराबर जो प्रोग्राम है हमारे जो है 2 अक्टूबर तक इंशाल्लाह चलेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर ब्लॉक में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलेंगे। और मैं एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ अपने वर्करों का, अपने लीडरों का जिन्होंने यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आके यहाँ खून का अतिया दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था, उसने हिदायत की थी हमारे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तमाम जितने भी कार्यकर्ता थे उसने बोला कि मेरे जो बर्थडे है उस पर केक नहीं काटा जाएगा, कोई भी फंक्शन नहीं की जाएगी, सिर्फ एक फंक्शन कि ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है। जो रक्तदान अमृत महोत्सव जो चल रहा था आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने तकरीबन 30 पॉइंट यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता थे हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर मुश्ताक साहब था, दूसरा जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद भट्ट साहब था,
मैं खुद बहसीत जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बारामूला काम कर रहा हूं और मैं बीडीसी वागोरा भी हूं। सारे कार्यकर्ता आए थे, हमने यहां पर जीएमसी बारामूला में ये रक्तदान किया है। मैं इस जो जीएमसी की मैडम रूबी ऋषि जी है उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और यहाँ के जितने भी डॉक्टर साहिबान आए थे, ये दूसरा स्टाफ भी आया था, मैं उनको भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ ताकि ये जो रक्तदान है किसी के काम आ जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है वो हमने पार्टी लेवल पर जो उनका हुक्म है कि मेरे जन्मदिन पर कोई केक ना लाए, कोई लाखों हज़ारों रुपया खर्च ना करे, उनका आदेश है कि मेरे रिक्वेस्ट पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट पर आप डोनेट करो अपना ब्लड जो है डोनेट करो। सो आज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी 20 से 25 पॉइंट ब्लड हमने आज यहाँ पर दे दिया, और ये उस बात की कड़ी थी, ये उसी की कड़ी थी कि जो हुक्म मिला था कि मेरी खुशामदी के लिए ऐसे मत शमा मत जलाओ, केक मत काटो, भांगड़ा मत करो, सिर्फ ये करो कि डोनेट करो ब्लड जो किसी के काम आए। किसी ये हमको नरेंद्र मोदी जी को नहीं भेजना है, ये हम में से ही किसी मजबूर को इसका ये दरकार आ जाएगा, वो किसी बीमार को जो इस्तेमाल किसी के काम आ जाए। सो आज जो ये फंक्शन था यहाँ पर, ये सिर्फ जीएमसी जो बारामूला की है, यहाँ की प्रिंसिपल मैडम ने कॉपरेट किया हमको, यहाँ की हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की सहरिश असगर जी डीसी साहिबा, उन्होंने इसमें शिरकत की, हमने उनके साथ जो कोलैबोरेशन किया था, जो चाहे हम पॉलिटिकली नहीं लेकिन अवामी सूरत में हमने सरकार के साथ भी ये कोऑपरेशन किया, लोगों ने यहाँ आर्मी के पीपल्स ने भी ब्लड डोनेट किया, हमारे लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया, उसके लिए आज हम नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आज जो ब्लड डोनेट कैंप जो यहाँ पर जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे जीएमसी बारामूला में, आज हमारे तमाम सीनियर लीडरान भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता जो भी थे और सीनियर लीडर जिनने आज ब्लड डोनेट किया यहाँ पे, इसका मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, ये एक जान की हिफाजत है, कहीं पर जब इमरजेंसी ब्लड की पड़ती है उनको रेफ़र होना पड़ता है श्रीनगर की तरफ, और हम चाहते हैं हमारे जीएमसी बारामूला में जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बारामूला में है, ये हमारी खुशकिस्मती है, अगर यहाँ से भी निराश होकर एक पेशेंट जाए तो ये बदकिस्मती की बात है। इसलिए आज हमारे तमाम सीनियर लीडर और कार्यकर्ता जो भी हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके साथ हमने ब्लड डोनेट किया है। हम अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है। साथ साथ ही मैं अपने श्री नरेंद्र मोदी जी को आज बधाई देता हूँ, उसका जन्मदिन है आज, उसको हम दिल की गहराइयों से तमाम टीम को लेकर, अपने भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडरों को लेकर हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। आज 17 सितंबर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, और ये सारे कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के अंदर चल रहे हैं, और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अलग अलग दिन पे, और आज हमने जीएमसी बारामूला में ब्लड डोनेशन का जो कैंप है वो ऑर्गेनाइज किया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी की है, कम से कम 200 से 300 लोगों की हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है, और आज हमने इनके साथ जीएमसी बारामूला के साथ में कोलैबोरेशन करके यहाँ पे जितने भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम भारतीय जनता पार्टी की सब सीनियर लीडर्स यहाँ पे थे, और हमने खासकर युवा मोर्चा ने आज इस बाग कैंप में योगदान अपना दिया।